గుజరాత్ లోని కవడియాలో జాతీయ సమైక్యత సంబరాలు ప్రస్తుతం ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు ఆ లైవ్ చూద్దాం मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को भारत के शुभ चिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं साथियों इस बार का एकता दिवस एक और वजह से भी विशेष है आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है आने वाले दो वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है दो वर्ष का ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा ये अवसर हमें सीख देगा कि असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव बनाया जा सकता है जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे और अभी हमने सरदार साहब की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना उन लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी संकल्प में सत्यवादी कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे साथियों आज हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा भी है उन्होंने आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए सबको एक किया कि महाराष्ट्र का रायगढ़ किला आज भी साक्षात वो गाथा कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले से राष्ट्र के अलग अलग विचारों को एक उद्देश्य के लिए एकजुट किया था आज यहां एकता नगर में हम रायगढ़ के उस ऐतिहासिक किले के उसकी छवि हमारे सामने प्रेरणा का प्रतीक बन के खड़ी है रायगढ़ किला सामाजिक न्याय देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम के संस्कारों की पवित्र भूमि रहा है आज इसी पुष्ट भूमि में हम
विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए यहां एकजुट हुए हैं। साथियों, बीते 10 वर्ष तक भारत की एकता और अखंडता के लिए ये कालखंड अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। आज सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है हमारा ये एकता नगर। यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और इसके सिर्फ नाम में यूनिटी है ऐसा नहीं है, इसके निर्माण में भी यूनिटी है। इसको बनाने के लिए पूरे देश के कोने कोने से, देश के किसानों के पास से, खेत में उपयोग किए हैं औजार का लोहा पूरे देश से यहां लाया गया, क्योंकि सरदार साहब लोह पुरुष थे, किसान पुत्र थे, इसलिए लोहा और वो भी खेत में उपयोग किए औजार वाला लोहा यहां लाया गया। यहां देश के हर कोने से वहां की मिट्टी लाई गई है। इसका निर्माण स्वयं में एकता की अनुभूति कराता है। यहां पर एकता नर्सरी बनी है, यहां विश्व वन है, जहां दुनिया के हर महाद्वीप के पेड़ पौधे हैं, यहां चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, जहां पूरे देश की हेल्दी फूड हैबिट्स के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं, यहां आरोग्य वन है, जहां देश की अलग हिस्सों की आयुर्वेद परंपरा का, पौधों का समावेश है। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए यहां एकता मॉल भी है, जहां देश भर के हैंडीक्राफ्ट्स एक ही छत के नीचे मिलते हैं। और साथियों, ये एकता मॉल सिर्फ यहीं पर है ऐसा नहीं, हर हम देश के हर राज्य की राजधानी में एकता मॉल के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एकता का यही संदेश हर वर्ष होने वाली एकता दौड़ से भी मजबूत होता है। साथियों, एक सच्चे भारतीय होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की एकता के हर प्रयास को सेलिब्रेट करें, उत्सव उमंग से भर दे, ऊर्जा आत्मविश्वास हर पल नए संकल्प, नई उम्मीद, नए उमंग, यही तो सेलिब्रेशन है। जब हम भारत की भाषाओं पर बल देते हैं, उससे भी एकता की एक मजबूत कड़ी हमें जोड़ती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया है। और आप सबको पता है, और देश ने गौरव भी अनुभव किया, दुनिया भर में उसे उत्सव के रूप में बनाया गया। वो कौन सा निर्णय था?
हाल में ही सरकार ने मराठी भाषा, बांग्ला भाषा, असमिया भाषा, पाली भाषा और प्राकृत भाषा, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया। सरकार के इस फैसले का सभी ने दिल से स्वागत किया है और हम हमारी भाषा को मातृभाषा कहते हैं और जब मातृभाषा का सम्मान होता है ना तो हमारी अपनी माता का भी सम्मान होता है, हमारी धरती माता का सम्मान होता है और हमारी भारत माता का सम्मान होता है। भाषा की तरह ही आज देश भर में चल रहे कनेक्टिविटी के काम, जोड़ने के काम भी देश की एकता को मजबूत कर रहे हैं। रेल हो, रोड हो, हाईवे हो और इंटरनेट जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ने गांव को शहरों से जोड़ा है। जब कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां रेल से जुड़ती हैं, जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप अंडर सी केबल से तेज इंटरनेट से जुड़ते हैं, जब पहाड़ों पर लोग मोबाइल नेटवर्क से जुड़ते हैं, तब विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने का भाव समाप्त हो जाता है, आगे बढ़ने की नई ऊर्जा अपने आप जन्म लेती है। देश की एकता का भाव सशक्त होता है। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियों में और नियत में भेदभाव का भाव भी देश की एकता को कमजोर करता रहा। बीते 10 वर्षों में देश में सुशासन के नए मॉडल ने भेदभाव की हर गुंजाइश समाप्त की है। हमने सबका साथ सबके विकास का रास्ता चुना है। आज బుల్టెన్లో ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ బ్రేక్.